रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मलिक, नाम पक्का नहीं सुना होगा क्योंकि जो काम मैं करता हूँ उसमें सिर्फ एक परछाई बन के रहता हूँ। शॉर्ट में बताओ तो मैं अमीर और नामचीन लफंडरों के गांड के खुले हुए टाके जोड़ता हूँ। चुराए थे वो फैलाते हैं ना, उनको साफ मैं करता हूँ। नई शर्ट पे छेद कर दिया भैंड। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, निकले सब मेरे यार। Above the world so high, Malik ke peeth pe goli chalai. Mood to nahi tha life ko itna complicated banane ka, par kya karta? Halat ne majboor kar diya tha. Zinda rehne ke liye mehnat lagti hai bhai. Maut ka kya hai, wo to kambak kahin se bhi aa sakti hai. Yeh meri dhadkne jawab de rahi thi. और ये जनाब आइटम सॉन्ग पे अपनी धड़कनें बढ़ा रहा था। कसम से अमीरों की अय्याशियां खत्म हो जाए अगर मुझ जैसे लोग दुनिया में ना हो। गरीब आदमी बेचारा मुसीबत में सिर्फ भगवान को याद करता है, पर पैसे वाला मुझे, क्योंकि मैं हूं इस शहर का सबसे बड़ा फिक्सर। मेरी बीवी केसर, डिफेंस कॉलोनी की सेल्फी क्वीन। बड़ी भोली है बेचारी, इसलिए चाहे मेरे सीने पे मेडल लगे या पीठ पे गोली, ये लिपस्टिक लगाना नहीं भूलती। नए जमाने की पतिव्रता है, किसी के मैयत पे भी जाएगी ना तो सफेद साड़ी पर सरी का काम जरूर होगा। तीन चीजों से लेकिन बहुत प्यार करती है वो, पैसा, पति और परमात्मा। मैंने तो सारे नवरात्रे रखे थे, कंचकाएं भी पूजी थी, बाकी लोग तो स्टील के बर्तन देते हैं। पता है मैंने एक एक कन्या को चांदी का सिक्का भी दिया था। हे माँ, प्लीज मेरी मन्नत पूरी कर दे। मेरी मिसेस का प्यार देखा है अपने हस्बैंड के लिए? कसम से हिंदुस्तानी मर्द ना नवरात्रों और करवा चौथ की वजह से ही जिंदा है। भगवान ने आपकी सुन ली है, मलिक इज आउट ऑफ डेंजर। बुलेट तो हमने निकाल ली बट खून बहुत ज्यादा बह गया है। तो चढ़ा दीजिए ना खून। अगले 48 घंटे उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। उनकी बहुत पहचान है दिल्ली में, आपको कोई भी एक्सपर्ट चाहिए तो बताइए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर नवरो जी मुंबई के बेस्ट सर्जन हैं, वो मिस्टर मलिक को देखने आ रहे हैं, सो डोंट वरी। हम जैसों की जिंदगी के साथ साथ मौत में भी भसड़ मचती मचती है। करी मिर्जा, अरे यार ये कहानी ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है।
शुरू से शुरू करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लैशबैक। पहले मेरी बीवी मुझसे सिर्फ प्यार करती थी, पर जब से उसने रोहित भैया की सिंघम और सिम्बा देखी है ना, मेरी बीवी को मुझ पे गुरूर सा गया। बोला था ना टाइम पे पहुंचाऊंगा। अच्छा है जो आप टाइम पर आ गए मलिक साहब, वरना हमें आपको थाने लेने आना पड़ता। चलो जल्दी से चेंज करके वापस आ जाओ। तो तुम्हें काम करो, कपड़े तैयार रखो, मैं सिन्हा साहब को मिल के आता। अरे मलिक सर। लो भाई प्रसाद लो। थैंक यू सर, सॉरी आप आए और वो मैं लेट हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो मलिक, तुम बुलाओ और हम ना आए, इलेक्शन हरवाना है क्या? अबे तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स देखे हैं सर के? सुनो, यू आर ऑन अ मिशन टुनाइट। शेरावत का तुम्हें कभी भी फोन आ सकता है, इट्स अबाउट करीम मिर्जा। सर थैंक यू फॉर कमिंग सर। अच्छा हो तुम आ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कौन सा कुर्ता पहना। कहाँ इन कुर्तों के चक्करों में पड़ रहे हो? मैं यहाँ कपड़े उतारने की सोच रहा हूँ और तुम अरे क्या कर रहे हो? तुम्हारी रक्षा के लिए तो जगराता रखवाया है ना। अरे जगराता ही तो है ना, सोने को थोड़ी बोल रहा हूँ। हे भगवान, शरावत का फोन ना हो। अरे यार बस यही रुके ना, आता हूँ मैं। मलिक रिपोर्ट इमीजिएटली। सर करीम मिर्जा आजमगढ़ में ये चोरी चकारी और छोटे मोटे केसेस में इसका नाम था, उसके बाद ये एक्सटॉर्शन और लैंड ग्रैबिंग के केसेस में इसका नाम आने लगा। इस वक्त करीम मिर्जा पे 6 मर्डर, 9 एक्सटॉर्शन और कम से कम दर्जन भर असॉल्ट केसेस दर्ज हैं। इसके असली कारनामों की फहरिस्त पता नहीं कितनी लंबी है। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलिजेंस, ये करीम मिर्जा यहाँ दिल्ली में तारीख जिहाज ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर रहा है RDX और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स देकर। करीम कहाँ से ऑपरेट कर रहा है इसका अंदाजा है हमें, हमें उसको उसके बिल में घुसकर मारना है। रामपुर और फतियाबाद के बीच ये रेलवे यार्ड है जहाँ छुपा हुआ है वो। सो बॉयज वी लीव एट फर्स्ट लाइट। सर ये एक सरप्राइज अटैक है, इसलिए हमें खुद भी सरप्राइज के लिए तैयार रहना है। किसी भी हालत में करीम मिर्जा को पकड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से तुम। अबे खन्ना तेरा ध्यान क्या है बे? सॉरी सर, वो क्या है ना सर, बचपन से एक आदत है कि कोई भी एग्जाम से पहले ना सर एक फिल्म देख लेता हूँ तो सर मूड बड़ा सही रहता है। और फिर सर ये एक्ट्रेस आना की वीडियो ना सर। खन्ना तुझे पता है लोग चलती हुई ट्रेन की पटरी पर बैठकर क्यों नहीं आते? क्योंकि हाथ से हो जाता है, पटरी पर बैठकर आ गया ना तो से हाथ धो बैठेगा, समझ रहे? सॉरी सर। अरे सॉरी के बच्चे, काम पे ध्यान दे, वरना आधे पिछवाड़े के साथ तुझे कहीं पर जाने की आप टिकट भी नहीं मिलेगी, ठीक है? चल फोन दिखा, दिखा। Thank you.
चैन सर। यूपीआर खत्म हो गए इसलिए फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। बैठो। दो ग्लास और कुछ रखना अपना लाओ भाई। क्यों नहीं सर, एक मैंने भी होगा। एक लाओ ग्लास फिर। सर थोड़ा शरीफ हो गए। बात शराफत की नहीं, ऑफिस में पीने की आदत डाली नहीं मैंने। सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स ना मानना, ये आदत डाल ली। सर वो औरत बीच में आ गई थी, मैं मर गई ना। औरत तो मर गई, अगर ठीक से फोकस किया होता तो टारगेट जाता, करीम जाता। सर एसी ऑफिस में बैठकर जज करना आसान होता है, अगर मेरी जगह आप भी वहां होते ना तो आपसे भी वही गलती होती। एक कहानी सुनाता हूँ तुमको, ठीक है? क्या था कि सर्दी का मौसम था, जंगल, एक गिद्ध जो है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। थोड़ी देर वहां पे एक चूहा आता है, वो भी चाहता है कि मैं धूप का मजा लूं। तो गिद्ध से पूछता है कि सर मैं यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा धूप सेक लूं, आप मुझे खा तो नहीं जाओगे? तो गिद्ध को जो चूहा बड़ा क्यूट लगता है, कहते नहीं नहीं आराम से धूप सेको, कुछ नहीं करूंगा। तो चूहा धूप सेकते लगता है, थोड़ी देर में आंख लग जाती, सो जाता है। तब तक वहां से एक सांप आता है, रेंगता हुआ चूहे को देखता और गप कर जो है चूहे को, और गिद्ध जो है अभी भी सब ऊपर से ऐसे देख रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर एसी रूम में बैठ के आराम से तमाशा देखना है तो उसके लिए टॉप पे बैठना होगा, जहां मैं बैठा हूं। जहां तुम हो वहां सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं। मैं गिद्ध हूं और तुम जिसे सांप खा गया। बैज एंड गन। सर आप ही ने कहा था आज के लिए आपकी और मेरी, हम दोनों की ड्यूटीज खत्म हो चुकी है। फॉर्मेलिटीज ही बची है ना सर, कल कर लेंगे। मेरी बेटा मैं क्या कह लूंगा। बदनामी के पाव में चक्के लगे होते हैं, एक गलती कर दो लाइन, दो मिनट में चूतों की लिस्ट में नाम रोशन कर देती है। गलती हुई थी मुझसे, लेकिन जैसे मेरे ऊपर बैठा गेट और नीचे रेंगता सांप इसी वक्त का इंतजार कर रहा है। ये व्रत रखा क्यों था तुमने? ताकि तुम्हारी प्रमोशन हो जाए और फिर तुम्हें किसी खतरनाक मिशन पे न जाना पड़े। अब मैं किसी खतरनाक मिशन पे नहीं जाऊं। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। क्या मूड चला गया? बेरोजगार पतियों के लिए ना अक्सर बीवियों का मूड नहीं होता। अब साला मेरा भी मूड चला गया। हाँ शीला, वो तुझसे जो लॉन्ड्री ली थी ना वो मुझे फिट नहीं आ रही है। सांस लेती ऐसे लगता है कि सिलाई खुल जाएगी। दीदी मैंने आपसे पहले ही बोला था ना कि ब्राउन शर्टी वापस नहीं लूंगी। और मैंने भी तुझे कहा था ना मुझे ट्राई करने दे। ये सब मेरे कारण हुआ है ना। मैं सब संभालूंगा। क्या संभाल लोगे मलिक? वो प्रेग्नेंट औरत के मरने की खबर पूरे न्यूज चैनल्स में है, सब तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कि सर मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, ठीक है? अरे बात ना करने से बात खत्म तो नहीं होगी ना मलिक। मुझे लगता है किसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। वो शराफत, हाथियों की दौड़ में इससे तो चूहा ही है ना। क्या कहा तुमने? तुम मुझे इतना छोटा समझती हो? अरे तुम कौन सी बात कहा ले जा रहे हो? मैंने कहा मैं सब ठीक कर दूंगा तो ठीक कर दूंगा ना। मुझे क्यों भड़क रहे हो? मैंने कहा औरत को मारने के लिए। केसर चुप रहो वरना। वरना क्या? अपनी यूनिफॉर्म पर धौंस मुझ पे चला रहे हो? हाँ लेकर आओ बंदूक और चलाओ गोली। मारो मुझे, मारो 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 मुझे। ए, मार, 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 मार। मार।
मर गई। अगर ठीक से फोकस किया होता तो टारगेट जाता, करीम जाता, पर तुमने तो लापरवाही दिखाई। बैज एंड गन। ओए तेरी बैठ दी अंदर के। सॉरी भाई साहब, भाई ये तो वही पुलिस वाला है जो सस्पेंड हो चुका है। अच्छा, तो तूने पहले उस औरत ने गोली मार दी, अब दारू पी के तू हमको मारने आया है, हैं? चल तेरा इनकाउंटर अभी कराते हैं। मैं पिया हूं, मरा नहीं हूं। शेर पिंजरे में बंद होता है ना, तो बच्चा भी इस पर मूंगफली फेंकता है। बिना यूनिफॉर्म मेरी हालत पिंजरे में बंद उस शेर की तरह हो गई थी, लेकिन बहुत जल्द मेरी आजादी का बुलावा आने वाला था। हाँ दालमिया साहब। मलिक, काम करोगे मेरे लिए? कैसा काम? मेरा लड़का याद है, तरुण? कब तक आएंगे तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब? ये वही है ना, गरीब एयरलाइंस वाला जो ट्रेन की टिकट से सस्ती प्लेन की टिकट बेचता है। एक बात बता, इनके हवाई जहाज में आगे का द्वार नहीं होता का? सब पैसेंजर पीछे से ही चढ़ रहे हैं। सरकार मस्करी के पैसे नहीं देती, चाहिए अपना काम कीजिए। इंस्पेक्टर बात सुनिए मेरी प्लीज, एक बात। खन्ना इसे फाड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? डैड मैं Why the f can't you be with girls? Can you tell me that? And thank you. चलो निकलो यहां से अब। तालमिया साहब, खन्ना तरुण और इनको बाहर ले जाना, मुझे तालमिया साहब से अकेले में बात करनी है। तालमिया साहब, पता है किसी को प्लेन में करना पसंद है तो किसी को ट्रेन में, किसी को लड़कियों के साथ करना अच्छा लगता है तो किसी को लड़कों के साथ। बुरा तब लगता है जब बिना किए कोई आपकी मार जाता है। तरुण और लड़कों के जमानत के काम आएंगे, तब दे देना। थैंक यू। हाँ, वो पीछे वाले दरवाजे से जाना, आगे मीडिया वाले आपका इंतजार कर रही है। और कल का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तरुण दालमिया को 5-स्टार होटल में 4 लड़कियों के साथ रेव पार्टी में पुलिस ने पकड़ा। पैसे नहीं लेते हो तो क्यों करते हो ये काम? वैसे ऐसा भी होमोसेक्सुअलिटी ना, ना कोई बीमारी है और ना ही कुछ गलत, ये चॉइस है। लेकिन सेक्शन 377 इसकी इजाजत नहीं देता। मैं इस लॉ को नहीं मानता और एक दिन ये लॉ जरूर बदलेगा, जब लोगों की सोच बदलेगी। आदमी ईमानदार सीधा, जिस दिन टेढ़े हो जाओगे बहुत काम आओगे उस तरह। थैंक यू तान्या साहब, उसके लिए जिंदगी भर इंतजार करना होगा। हर इंसान की ईमानदारी जो है ना, वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है, याद रखना। देखना सिर्फ ये है कि तुम्हारी एक्सपायरी डेट कब की है। तो ईमानदारी खत्म हुई, जिंदगी में टेढ़े हुए कि नहीं? हालात कीले को भी स्क्रू बना देता है तान्या साहब। काम बताओ ना, फिक्सर बनोगे? फिक्सर? फिक्सर जो लोग जिंदगी में अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते उनको सिर्फ
दो लोग बचा सकता है, या तो ऊपर बैठा भगवान या फिर जमीन पे खड़ा हुआ फिक्सर। मतलब के जुगाड़ू। आज तक बिना पैसे लिए लोगों के लिए जुगाड़ करते थे, अब पैसे लो, लोगों के प्रॉब्लम फिक्स करो। वत्से कितने पैसे मिलेंगे? कल 2 बजे दिल्ली क्लब। यार अबे कहाँ जा रहे? रुक, केसर ना बिल्कुल सही बोलते हैं। कैसे वक्त में भगवान ही आपको राह दिखाता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। अब बहुत हो गई ईमानदारी, बेईमानी भी ना। प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं। है?